दसवा उरस हो इस वास्ते एक गल छेड़ बन रहा कि अगर कोई बंदा नबिया तो अलावा किसी मासूम मने तो ईमान खारिज हो जाता साडे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी ने जिस तरह आप नबी आखिरी मरना फर्ज है मुसलमान वास्ते कि आखिरी नबी आप ने आप तो बाद कोई नबी नहीं हो सकता वरना अकीदा खत्म नबूवत तबाह हो जाता है जिस तरह आप आखिरी नबी ने इस तरह आप आखिरी मासूम ने बेशक बेशक और आम बंदे इस गल की बारीकी का पता नहीं तो समझने में जिकन पहले पगड़ी बदिया थोड़ी उंजे बदी जिकन पहले चिबा पाया थोड़ी उंजे पाया जिकन पहले बंदे पीर साहब आ जाए थोड़ी उंजे ही आते हैं तो इन किकन हो जाता है हूं ठीक ही नहीं रहे और उन्होंने पिछले नमाज नहीं होती ये बरेली शरीफ तो फतवा इस वास्ते आया कि जिस वक्त इस जुबान का सारा लिहाज एक कलमा कुफर बंदे उठे सकता है जेड़ा करोड़ों मीलों की गहराई तो ज्यादा गहराई इस बुनियाद से असी इस अकीदे की निगरानी जिस तरह खत्म नबूवत से पहरा दे रहे खत्म मासूफियत से भी पहरा दे रहे और ये असल सूरत हाल है यानी सन यानी मैं अपने पूरे बातन की गल करना इंसान कोई इतने बैर करने का कोई शौक नहीं किसी का साड़ी ते हर वक्त अमरीका तक जंग जारी और ना है कि वैसे तू बोलने का शौक है इतने साड़ी बिरादरी के बंदे बैठे बल्कि सामने शब्बीर साहब बैठे नंदे अब्बा जी नादर शागले अल्लाह ने दरामद करे ऐ मोचिया का जड़ा दुकान है ये कोलों में मोड़ कट के आ रहे अपने घर आ रहा वो दुकान के बंदे काफी चूंकि मोटियां ना पूरा पार्लीमेंट है वो तो सारे बैठे आते उस सुनाना वो गल मिन चाहता ते कर ओना ना रहा ते नादर शामिल दे रहा है एड़ा सूफी मास्टर दा है पुत्र है वो एक कभी बोलता भी तक क्या है यानी वो ये एक किस्म का तनस कर रहे हैं ये ऐसा तो कभी बोलते ही नहीं वे किया ये मेरी तालमेल भी ना समा कर रहा है इन्होंने कहा तो गुंगा है कभी मैं नहीं बोलते वे कभी कभी किसी ना लड़िया हो भिड़िया हो झगड़िया हो कभी ये बोलते भी तक क्या है वो अशरफ आसिम जलाली जिस पढ़ने के दौरान बंदा ये समझा वे बोल ही नहीं सकता है ही गुंगा लेकिन जिस वक्त दीन ते पहरा देने का वक्त आया हुण जेड़ा चैनल खोल दे ने कोशिश रफा सुजलाली बोलदा 45 हक्का वास्ते 45 घंटे तकरीर अल्लाह ए गुजरे मस्टर अहमद रजा साहब बैठे ने सामने इना जलसा करा सी गुजरे हजरत पीर सैयद मदर कयूम मशदी रहमतुल्लाह अलैह सदारत कीती सी ते इशा दी नमाज तो बाद जलसा शुरू हुआ सी नमाज अजाने फजर तक तकरीबन 6 घंटे तकरीब ताजुद्दीन हैदरी दे रद विच दयाता ने दयात तकरीर सुन के ते दोबारा सुननी होए सुभान अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल ते फिर अगे सारे प्रोग्राम यानी संत शौक नहीं लेकिन जिम्मेदारी जिस तरह हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह दे ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਕਰੀਬ ਦਾ ਆਪ ਦੇ ਮਸਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰੀਬ ਦੀ ਹੈ ਮੁਰੀਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਬੀਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਦ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣ तो फिर अंदर कुछ भी इंसानियत हो तो बंदा आता है मेरी तो बेचारी देखी कोई नहीं और मेरिया है तो मैं दस हट जा पीछे अगे खूही तो अल्लाह के फजलो करम ना असा बगदाद शरीफ का पढ़ के जी अखी लिया ने सन वाजे नजर आ रहे तो बंदे बच जाओ अगे खूहे ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵੀ ਨਬੀਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਨਬੀਨਾ ਹੈ
ਉਹ ਨਬੀਨਾ ਕਿਸੇ ਨਬੀਨੇ ਕੀ ਦੱਸੇ ਬਗੇ ਤੂੰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀ ਹੋਣ ਉਹ ਆ ਕੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕੋਈ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਘੜਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖਾ ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਰੱਬ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਅੱਖੀ ਨਾ ਔਰ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਕੇ ਹਾਫਿਜ਼ੁਲ ਹਦੀਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਆਸਨ ਅਸ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ